भाजपा सांसद राजकुमार सैनी आज करनाल में 26 नवंबर को जींद में होने वाली रैली का न्योता देने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि यदि जनता का फैसला होगा तो नई पार्टी बनाई जाएगी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दादूपुर नलवी मामले पर राजनीति हो रही है। सांसद सैनी ने पंजाब में भाजपा की हार के लिए भी पुरानी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया। करनाल से KS वीरक की रिपोर्ट। आज हमारा यहाँ पर जिला करनाल के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग थी 26 नवंबर को होने वाली जींद के अंदर रैली को लेकर के। कुछ जिम्मेवारियां सौंपने के लिए हम आए और ठीक को गलत और गलत को ठीक कहने का प्रयास जो प्रचलन है वो स्वार्थी राजनीतिज्ञों के द्वारा देश की राजनीति प्रदूषित हो चुकी है। जनता के ऊपर अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से जो पगड़ी का रखा जाना था, जिसके पास कोई पद नहीं प्रदेश में और देश के अंदर, और उस व्यक्ति को बड़ा मान करके प्रदेश अध्यक्ष को प्रेशराइज किया जा रहा कि आप इसके सर पे पगड़ी रखें। मैं दादू पर नलवी नहर जाता हूँ, सभी लोग इस क्षेत्र की बहबूदी के लिए दादू पर नलवी नहर को अपनी जीवन रेखा मानते हैं। वहाँ पर सभी किसानों ने सभी नेताओं के नारे लगाए, लेकिन जैसे ही राजकुमार सैनी जाता है जाति विशेष के लोग विरोध करते हैं कि अरे के कहीं 2019 में हमने ये समानता का बिगुल पूरे देश के लिए एक हरियाणा का आइकॉन साबित ना कर दिया, पेश ना कर दिया, तो बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के पसीने छूट रहे हैं। प्रयास करते हैं जनता से मशवरा करके समर्थन लिया जाएगा कि आप अपने दम पर राजनीति करना चाहते हो या किसी राजनीति की बैसाखियों के सहारे चलना चाहते हो। हम कोई राजनीतिक पार्टी का जो आगाज कर सकते हैं।